अच्छी। ओ भाई साहब तुम देखो ना, हम मैकरोनी में अपना रेड फूड कलर डाल रहे हैं, ठीक है। सारा मैं खुद खाऊंगा। ये जो चिकन है ले ले बेटा ले। तो आज देखो अपनी आज की जो वीडियो है, आज अपन एक बहुत बढ़िया फूड चैलेंज करने वाले हैं। मतलब तुम ये समझ लो कि मुझे दिन भर बस लाल खाना ही खाना है, चाहे मतलब मेरी मैक्रोनी हो, मुझे पानी भी लाल पीना पड़ेगा, मैं लाल के अलावा और कुछ खा ही नहीं सकता। तो ये बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक अपनी कंपलसरी है, बिना कुछ नहीं मिलते यार वीडियो में। तो देखो मैंने यहाँ पे यार कुछ कपड़े मंगा रखे, तुम्हें दिखा दो मैंने क्या क्या मंगाया था, ठीक है। तुम देख लो यार, एक तो मैंने टी शर्ट मंगाई थी, नो प्रॉब लामा, ये काफी फनी टी शर्ट है। मैंने शीन से ये देखो, ये फ्लोरल वाली शर्ट और ये बनाना वाली मैंने टी शर्ट मंगाई है शीन से। और ये देखो मैंने यहाँ पे काफी सारे निकर्स मंगाई है, एक ये निकर है और इसके अंदर दो निकर और है, एक व्हाइट और एक ब्लू मंगाया। तो मैंने यार एक ये चश्मा भी है शीन से, तो मैं पूरा लुक गेटअप दिखा दो भाई का कैसा लग रहा है। लॉकडाउन में बैठे बैठे ना घर में, मैंने वही जो मेरे घर के कपड़े में उन्हीं को तीन चार दिन लगातार पहनने जा रहा हूँ। वीडियो शूट करते वक्त ना मुझे बहाना मिल जाता है कि मैं बढ़िया से कपड़े पहनूं। मम्मी ने नॉडी को कहाँ बैठा दिया है। नॉडी को सेकंड सीट उठाने का मतलब यही है कि जब मम्मी यहाँ पे पोछा लगाती है तो नॉडी डिस्टर्ब ना करे। हेलीकॉप्टर। अब क्या यार, अब हम बढ़िया से अपना वीडियो शूट करते हो, तुम सबको टाइटल पता है। वैसे मुझे पता है, मैंने ना आज ना चैलेंज दे रखा है कि मैं आज सिर्फ लाल कलर का खाना ही खाऊंगा। लाल कलर बना ले अपने से, रोटी भी लाल खाऊंगा, चावल भी लाल ही। अच्छा ये था, कल को अगर ये बड़ा हो जाए वहाँ से कूद जाए तो क्या करेगी? किचन में बंद करके रूम में सफाई करूंगी, रूम में ज्यादा सफाई करूंगी। अब वो जिंदगी है, जीनी पड़ती है। ये देखो नॉडी कूद के आ गया वहाँ से, तुम देखो कितना शातिर हो गया ये। तो देखो सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह की, अभी यार 11 बज रहे हैं, कुछ खाने से पहले पानी तो पी लेता हूँ, और पानी भी यार मुझे लाल ही पीना है, यही तो इस चैलेंज की यार एक खासियत है। ओ भाई साहब तुम देखो यार अपना फूड कलर जो है कितना मतलब कितना सिंदूर की तरह लग रहा है लाल। ये देखो यार हमने पानी में फूड कलर डाल दिया है, ठीक है, अलग ही सीन है यार। ये कोई रुआवजा नहीं है, ये पानी है। रुआवजा मेरे घर में था नहीं तो ये करना पड़ा हमें। छी, ओ भाई साहब तुम देखो सिंक पे पूरा यार लाल खून ही खून हो गया, मतलब अंदर मेरे को अलग ही केमिकल सा फील हो रहा है गले के अंदर। अब देखो यार अब बारी अपने मैक्रोनी की, तो मैक्रोनी मम्मी ने बनाया नहीं है, मुझे मैक्रोनी खुद बनाना है। मैंने पानी में मम्मी लाल कलर डाल दिया था, मुझे फेंकना पड़ा। फिर मेरे घर ज्यादा डर गया था, जरा सा खाली कलर के लिए डालना। तौलिया मुझे रखना पड़ रहा है साथ साथ पसीना भी पोंछने के लिए, ठीक है। तुम लोग मुझे बहुत टाइम से बोल भी रहे थे कि यार मैं मैक्रोनी कैसे बनाता हूँ, जरा उसकी रेसिपी भी बताऊँ। आज मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ कि मैं मैक्रोनी कैसे बनाता हूँ। थोड़ा सा एक अलग डिफरेंस ये है कि आज अपन फुल लाल बनाएंगे, फुल मतलब ड्रैकुला वाइब्स के साथ। हल्का सा हम लाल मिर्च ले लेते हैं, तो देखो हल्का सा चिकन मसाला। तुम देखो अब अपने फूड कलर की बात है, अब अपन पूरा जो मटेरियल है इनको पूरा लाल कर देते हैं। तुम देखो यार हम मैक्रोनी में अपना रेड फूड कलर डाल रहे हैं, ठीक है। मैं अपने पूरे मटेरियल को भूज रहा हूँ यहाँ पे, फूड कलर ने पूरा लाल कर दिया है, कितना सही है। तुम देखो देखने में अपना ये मैक्रोनी का जो मटेरियल फुल चिली पाउडर लग रहा है, वो लोग भी जो हमें कलर डाल के एकदम मतलब फुल पागल बनाते हैं, लेकिन कोई नहीं। तब ऐसा लग रहा है कि मैं मसाले डालू भी ना, सिर्फ कलर डाल दू, देखने में टेस्टी लग रहा है। जैसे मेरे स्कूल की कैंटीन में मिलते थे ना मैक्रोनी, फुल लाल टाइप। आज मुझे उनका सीक्रेट पता चला, हल्का सा मैंने इसे कम कर दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट तक सीधे छोड़ता हूँ। अपने पास मिरिंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिरिंडा चटकाते हैं। लाल में आता है ये, ऑरेंज रेड ऐसी बात है। ये क्या बना दिया बाबू? मैं जो बाहर चाइनीज रेस्टोरेंट मिलते हैं मैक्रोनी वैसी लग रही है देखने में। ज्यादा कलर देने से फिर कलर का स्वाद केमिकल है, ज्यादा नहीं कलर देते हैं। यार जब मम्मी चैलेंज दिया है तो बढ़िया से करेंगे ना। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट है जो कि मैं खा रहा हूँ 1 बजे, तुम टाइम देख लो 1 बज रहे हैं। मम्मी अपना दिन का खाना खा रही है। मम्मी ब्रांडे ब्रेड म्यूनिस कौन खाता है? अभी क्या हुआ कि ना नॉडी मतलब बाथरूम में चला गया था और फुल गीला हो गया, मैं इसको ड्रायर से साफ कर रहा हूँ। तुम देखो यहाँ पे पूरा गीला हो गया, हमें इसको साफ करना पड़ रहा है। जो इसका कंघी है वो काम तो बड़े अच्छे से करती है वैसे यार, जहाँ जहाँ गीला है वहाँ वहाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा। तुम देखो यार अब हमें नॉडी को यार जो इसका वाइप है, जो इसका मैं टिश्यू लेके आया था स्पेशल खुशबू वाला, उससे मैं इसको साफ कर रहा हूँ। और ये इसका जो शैम्पू था, मैं तुझे कितना बार बोली उसके ऊपर मत ले जाकर, ले जाकर वो तो बाथरूम किचन सब बंद कर देना, सीढ़ी सब बंद कर। कितनी टेंशन हो रही है, इतनी टेंशन मेरे लिए लेती है नहीं लेती तेरे लिए, तो तू इसको लेके आया।
तो देखो मैं आराम से बैठ गया हूँ खाना लेके अपना सामने लैपटॉप है ठीक है, यहाँ पे मेरा कूलर चल रहा है, मैं देख रहा हूँ चोक्ड पैसा बोलता है नेटफ्लिक्स पे जो बहुत ज्यादा कैडा इसका ट्रेलर लगा था। मैंने भी पूरी मूवी तो नहीं देखी है लेकिन मैं देखूंगा अभी आराम से। चलो अपन थोड़ा सा मेयोनेज डाल देते हैं इस पे, कुछ स्वाद हो जाएगा। तुम लोग जरा मुझे बताओ तुम में से किस किस ने यलगार सुन लिया कैरी मनाटी का। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे तो यलगार एक नंबर लगा। और हाँ एक और चीज बोलूंगा, जितना मुझे एक्सपेक्टेशन थी ना कैरी मनाटी से उतना ही मतलब कैडा सीन कर दिया। और विली फ्रेंजी जो उसका भाई है, तुम्हें बताता हूँ एक चीज, मैंने उस बंदे से बात भी करी थी इंस्टाग्राम पे, उसमें बहुत टैलेंट है यार। मतलब जब मैंने विली फ्रेंजी से पूछा था कि मैं आपका म्यूजिक अपने व्लॉग में यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता, जिन लोगों को नहीं पता उसका पहला नाम था विबग्योर, कुछ लोगों को पता होगा शायद विबग्योर नाम था। तो जब विबग्योर नाम था तब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि हाँ यूज कर सकते हो। सूसू करनी है तो उसे मैट पे ही करनी है, देख रहे हो। मतलब मैं कैसे ट्वीन करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आता। तो यार देखो वंस अगेन अपन किचन में आ गए, अब शाम के 6 बज रहे और अब मेरे को कुछ पीने का मन कर रहा है। चलो जरा फ्रिज में देखते हैं यहाँ पास क्या क्या है। चलो यार तरबूज है अपने घर पे ठीक है, आओ यार जरा एक काम करते हैं तरबूज को काटते हैं और बढ़िया सा मैं तरबूज का शेक टाइप बनाता हूँ। तो चलो यार ये रहे अपने कटे हुए तरबूज ठीक है, इन्हें मैं यहाँ रखता हूँ और अब बारी है दूध की, इतना दूध परफेक्ट रहेगा ठीक है। ओए होए होए देख रहे हो अपना वाटरमेलन स्लश प्रॉपर तैयार हो गया, देख रहे हो ये पीसेस, ओए होए होए जब ये मुंह में आते हैं तो क्या स्वाद लगते हैं। तो देखो मतलब क्या तुम्हें भी ये पिंक लग रहा है देखने में, तो कोई दिक्कत नहीं यार सॉल्यूशन अपने पास है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ मुझे ना एक्चुअल मेरा जो तरबूज होता है ना मुझे वो खाना तो पसंद है लेकिन मुझे उसका शेक मतलब आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था मैं पीऊंगा। तो मैं यार पहली बार भी तरबूज का शेक ट्राई कर रहा हूँ और मुझे तो सही लग रहा है, मतलब अच्छा है। तुम लोग यार जरा शैतान को देखो ये कहाँ से दोबारा गीला होके आ गया है, देख रहे हो। ये देखो तू जीतेगा मुझसे, कुत्ता है तू कुत्ता। ये देखो देखो मुंह देखो कैसे बनाता है ये, ओ पकड़ लिया नाडी है क्या खुशू। तो देखो मैंने भी ये इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाई है ठीक है, ये तो मुझे इतना टैपर लग रहा है देख रहे हो। तो मतलब ऐसे में काफी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज डालते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, तो फॉलो कर लो भाई को जल्दी जल्दी। देखो चैलेंज करते करते मैं निकल गया था घर से बाहर और यार मास्क मैंने पहना हुआ था, अभी हम फोटो खिंचवा रहे तुम देखो और बाइक यहाँ पे खड़ी कर रखी है, हम कुछ फोटोज खिंचवा रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। कुणाल भाई दी फोटोग्राफर, कुणाल भाई बढ़िया फोटो खींच दो भाई। जतिन भाई आपकी मदद रही है। तो भाई ये दूध कहाँ से निकलता है? दूध का सप्लाई कहीं से तो होता होगा। हाँ तो जतिन भाई ये बताओ लाल आप पे क्या मिलेगा? व्हाइट टमाटो प्यूरी है। चैलेंज पूरा करने के लिए मुझे टमाटो प्यूरी भी खानी पड़ रही है, मैं टमाटर प्यूरी आ चुका है ठीक है। अब कुणाल भाई थोड़ी सी स्टार्टिंग हेल्प कर दो ना, एंजॉय कर दो, कर दो एंजॉय। बेस्ट फ्रेंड हो आप मेरे यार, मास्टरबेटर बेस्ट फ्रेंड डोरेमोन गैजेट्स। चलो जरा यहाँ से पीते हैं। टमाटर पूरी चक्के देखना, मतलब कभी ऐसा स्ट्रोक चढ़ जाए मास्टर वाले चक्के देखना तो पता लग जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। छी टमाटर प्यूरी मैंने खाई और मेरे सामने देखो कुणाल भाई मेरी आइसक्रीम चट कर रहे हैं। कुणाल भाई थोड़ा सा आपको वो नहीं है कि मास्टर को दे दूं आइसक्रीम? भाई है भाई तेरा चैलेंज टूट जाता, पिंक है ये भाई, मतलब मैं नहीं खा सकता ये। कुछ एक आध लाल चीज रख लेते अपनी मदर डेयरी में यार, मंगाऊंगा भाई। तो देखो अब बारी यार मेरे खुद के डिनर की ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यार जोमेटो ऑर्डर करता हूँ। देखते हैं चिकन कौन कौन से अभी अवेलेबल है, जरा ये देखते हैं यार बहुत स्वाद लग रहे हैं। लॉकडाउन में इन सब डिशेस की ना मुझे इतनी ज्यादा लाल चाव हो गई थी ना, तंदूरी चिकन करते हैं फुल भाई फुल नो कॉम्प्रोमाइज। और अब करते हैं एक हाफ चिली चिकन, गार्लिक नान बहुत स्वाद होते हैं भाई। सब एक ही एक गार्लिक नान 55 रुपए का है, आई थिंक 3 सही रहेगा और 3 का बिल मिल पड़ रहा है मुझे 915 का। तेरा पापा है क्रेजी, पापा क्रेजी। मैं क्या लेके आई नोडी के लिए? दूध रोटी, दूध पी नहीं सकता नोडी, अब दूध रोटी खा रहा है। मम्मी इसके लिए स्पेशल बनाती है दूध रोटी, मैं एक सुबह एक रात में। अभी तक तो शाम को ही दे रहे थे इस टाइम। हाँ हाँ अपना खटखटा से रोटी बना के। हाँ हाँ बोलेगा। तो देखो मेरे एरिया की अभी स्ट्रीट लाइट ये वाली खराब हो रखी है तो जरा ऑर्डर ले लेता हूँ। चलो थैंक यू भैया। मैं मना कितने की बाहर का भी नहीं खाते हैं, मैं घर में भी बनवा लेता। ये क्या है बाबू, ये बाल है क्या कुत्ते का? ये ओह वो दिखाएगा क्या? हाँ ये वो तेरे
झाड़ू का बाल है जो कुत्ता ले लेता है ना मुँह में। पैसे ये सारा मैं खुद खाऊंगा, गार्लिक नान तेज तरह मैं रोटी सब्जी नहीं खाता, अमीर लोग हैं हम। तो देखो नोडी ने ना मेरे को चिल्ला चिल्ला के मतलब परेशान कर दिया, जब तक मैं उसे चिकन नहीं खिलाऊंगा ना तब तक भौंक भौंक के परेशान कर देगा। ये जो चिकन है ले ले बेटा ले, ये देख ये देख ये देख, चिकन चिकन दूध इतना देता हूँ ले खा, ये देखो छोड़ूंगा नहीं मैं, ले ले ये देखो देखो ये ओ भाई साहब। तो यार देखो अब जरा यार हम गार्लिक पराठा का एक यार कोर तोड़ते हैं और ये जो अपना यार चिली चिकन मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा, ओए होए होए जो स्वाद है। और जितने लोगों को भी नहीं पता यार मैं दिन में काफी कम खाना खाता हूँ, मतलब कम खाना क्या दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा खाना खाता हूँ रात में। तुम देख सकते हो कुछ ये मेरा ज्यादा खाना है, मुझे नहीं पता है तुम लोगों के लिए ज्यादा है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए तो इनफ है, इनफ से भी ज्यादा है। तो देखो यार फिर क्या था कि ना मैं रात में खाना खा के सो गया था और सुबह सो के उठ के यार मैंने मतलब चाय पिया था वो भी उसमें फूड कलर डाली, तो वो मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन बता देता हूँ अपन ने लास्ट तक चैलेंज पूरा कर लिया था। तो क्या करना है तुम्हें, वीडियो को लाइक मारना है, देखो नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना भाई को कि फुल केड़ा सीन कर दिया इस वीडियो में, ठीक है। और चैनल को देखो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यार मास्टर पर जो हो रहा है मेरे को जो आइडियाज आ रहे हैं वो तुम लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, लॉकडाउन बढ़िया करने के लिए फुल अपन लगे पड़े हैं, तो थोड़ा सपोर्ट यार तुम लोग भी दिखाओ। और देखो घंटे का ऑप्शन भी डालना क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो पता कर चलेगा मास्टर बटन अपलोड कर दिया है, पहले वीडियो देखते हैं। तो यार मैं मास्टर साहब से गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय।